नमस्कार। यहां पे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों को समझना चाहिए कि ये सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, या वांगचुक यार उनकी लोगों ने, यहां के लोगों ने जो कर रहे हैं वो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। ये पॉलिटिशियंस नहीं है, आम आदमी है, देश के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमको ये समझना है, ये जो बोल रहे द एनवायरमेंट, देखो जो पानी को, जो यहां का लोगों का जीवन जो है उसको बचाने के लिए, ये हमारा हिस्सा है, हमारा प्रॉब्लम है, सिर्फ एक का नहीं है। तो बहुत जरूरी है हम इनके साथ खड़े हुए, क्योंकि ये के हमारे भविष्य के बारे में बोल रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि भविष्य का आतंक क्या होगा। इन्होंने पहले समझ चुके हैं, ये जो बोल रहे हैं उनका आवाज को हमको सुनना है। एंड स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने सोचा था इनके साथ खड़ा होने का बहुत जरूरत है, बिकॉज वो हमारी जिम्मेदारी होता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, दिस इज अ लार्जर क्राइसिस लूमिंग, दिस इज अ लार्जर क्राइसिस लूमिंग। हिमालयस को बचाना है, कि दिस इज वेयर वी गेट आवर वाटर फ्रॉम, स्पेशली द ऑल द रिवर्स। ऐसे हमें इसको तोड़ते जाएंगे, इस नेचर को, आखिर में कुछ नहीं मिलेगा हमको, कुछ नहीं रहेगा जीने के लिए। दिस इज अ वंडरफुल मोमेंट एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोटेस्ट, टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रेयर दिस पीपल आर पुटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। This is one of the most selfless movement any human being can take into his arms. So it is our responsibility to think, to really see the danger of the future. You have to reimagine the future, ki kya hone wala hai. So we have come here to show in solidarity, to thank this wonderful soul, this great leader Wangchuk, who has taken it upon himself, who's suffering himself, so that we get the liberation. Let us all together as a voice spread it, continue to talk about this wherever we go, and make this movement bigger. Because governments will come and go, they will become insensitive. We, the citizens, we the human beings, we are permanent here. And we are the ones who are going to lose. This sort of corporatization, industrialization may help the governments, the big people, the pockets of the rich. वो परिणाम जो है, the pain जो है, repercussions जो है, हम सब लोगों को संभालना पड़ेगा। We are going to take the brunt, and we are the majority. If we come together as a power for this selfless goal to save ourselves and our future, this movement will grow. Again, we can stop this, whatever they are trying to do. Thank you. सर, जिस तरह से जो है पूरे विश्व भर में जब इलेक्शन होते हैं, सब रोड्स, बिल्डिंग के वगैरह इन पे चर्चा करते हैं और मैनिफेस्टो में भी रखते हैं, सर आपका क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है कि क्लाइमेट पे भी जो है एक इलेक्शन लड़ा जाए मैनिफेस्टो में? यहाँ का लद्दाख का जो सिक्स शेड्यूल में आना, ये पिछले इलेक्शन में तो मैनिफेस्टो में था, प्रॉमिस तो किए थे। कोई भी ये जुमला ही करते है ना, कोई भी झूठी बोलते हैं, हमको झूठी उम्मीदें देते तो हमसे वोट लेते हैं, फिर 5 बरस इस तरफ नहीं देखते। हमने सुना है यहाँ के आदमियों के साथ, यहाँ के साइंटिस्टों के साथ बात किया, कि वादा किए थे, और जब वी रिमाइंड देम ऑफ इट तो हमको क्रिमिनल जैसे देख रहे हैं, कुछ लेन देन नहीं है उनको। सो हम ही फूल्स होते हैं। सो
उनसे बात पे कोई भरोसा नहीं है। तो एक ही रास्ता है, हम मिलजुल के आवाज उठा के पूछना, क्योंकि ये हमारा हक है ना। यही हुआ है ना, मैनिफेस्टो में अगर बोलते हैं उसकी वजह से वोट लेते हैं तो ट्रस्ट तो करते हैं उन लोगों को, हमारा लीडर्स को। अगर वो धोखा देते हैं तो कहां जाएंगे हम इकट्ठा होके। ऐसे ही वी हैव टू फाइट इजंट इट। जी, पूरे देश का यूथ को सर एक होना जरूरी है। जरूरी है, स्टूडेंट्स जितने भी मामले समझते नहीं है, समझने का कोशिश नहीं करते हैं, और ये लोग भी हिलाते हैं ना इश्यूज को, यहाँ पे मीडिया नहीं देख रहा है। तो लोगों से मैं क्या बोल रहा हूँ, देश के वासियों से क्या बोल रहा हूँ, देखिए इतना बड़ा हिस्से पे यहाँ पे धरना हो रहा है लेकिन मीडिया नहीं बता रहे, वो छुपा रहे हैं। तो इससे पिछले कौन है, पीछे कौन है? तो ये जानबूझ के कर रहे हैं लोग, है कि नहीं? Yes, sir. किसी को हमारा परवाह नहीं है। तो हर आदमी हमारे लड़ाई हम खुद लड़ना है, एंड हर नौजवानों से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि यू हैव टू मेक इट वायरल थ्रू योर सोशल मीडिया, यू हैव टू डिस्कस अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाई दीज पीपल आर फाइटिंग, इट इज अ सेल्फलेस फाइट, है ना? Yes, sir. आपके लिए भी है वो। फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया हैव टू फाइट, यहाँ का नदियां उन्हीं के लिए तो जा रहे हैं। अगर ये रुक गया कि बारिश के ऊपर कितना आप डिपेंड करोगे, तो इनडायरेक्टली आज यहां हो रहा है आप तक पहुंचने वाला है। यही तो ये लोग बोल रहे हैं, हमारे तक तो आ रहा है, यहां से आपको भी ये मुसीबत पहुंचेगा। तो अभी जागृत होना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और वांगचुम जो साहब है, तो इनके बारे में हम थ्री इडियट्स में देखे तो पूरा दुनिया बोला क्या हीरो है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम ही वाज ब्रिंगिंग, क्या फाइट कर रहे हैं। तब तो बड़े बड़े बात कर रहे थे हम, टीआरपी लिए चैनल ने बुलाया। जब ऐसा एक आदमी इतना इज्जत, इतना जो जानकारी है उसके पास, अगर वो बैठा है कुछ मुद्दे पे तो हमको सीरियसली तो लेना है। It is not some politician or somebody who is doing it. It is a person whom we have regarded, whom we have celebrated in this country as a visionary, as a great human being who is fighting for the people. जब वो बैठा है तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है यहाँ पे, किसी कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा है, किसी इसका प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ रहा है, लोगों के लिए लड़ रहा है, आपके लिए लड़ रहा है। तो इससे तो हमको इसका हॉनेस्टी, कितना हॉनेस्ट है वो, ये तो समझना चाहिए। और ये जो यहाँ पे इतने लोग आ रहे, इतने ठंड में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ पे, कुछ काम नहीं है उनको? क्योंकि उनको दर्द महसूस हो रहा है, यहाँ की बेटियां, यहाँ के लोग उनकी दर्द को आपके सामने और दर्द सहते हैं। इस ठंड में बैठ के आपको बोल रहे हैं, देखो हम करें, ये लोग हथियार नहीं उठा रहे हैं, हथियार थोड़ी उठा रहे हैं लोग, गाली थोड़ी दे रहे हैं लोग, रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। सो दिस सॉर्ट ऑफ अ पीसफुल प्रोटेस्ट, इसको तो समझना चाहिए हम, है कि नहीं? ये तो समझना ही चाहिए। ये एक आदमी का, एक ह्यूमन बीइंग का रोदन जो है, उसको तो हम समझ नहीं पाएंगे तो हम कहां से मनुष्यत्व है हमारा, कहां से हम इंसान बनते, इंसानियत तो होना चाहिए ना। रोको, देखो, सोचो, कौन बेटा है, क्या पूछ रहे हैं वो लोग, समझ के उनका साथ देना हमारा फर्ज है। थैंक यू सो मच।